फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है छोले और भटूरे। जी हाँ गाइस, छोले की रेसिपी बहुत ही आसान, मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी और वो भी एक ही बर्तन में हम छोले बनाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये भटूरे बनाए हैं, एकदम से देखे ये फूले फूले और बहुत ही टेस्टी। तो गाइस चलिए फुल वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो गाइस चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें सफ़ेद वाला काबुली चना। इसको मैंने रात में एक कटोरी भिगो के रखा था। कितना सारा हो गया है, मैंने मीडियम साइज का छोला लिया था। आप चाहें तो कोई सा भी छोला आप ले सकते हैं। छोले में से पानी निकाल दिया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने ले ली है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चा, अदरक और लहसुन। प्याज को देखिए मैंने इस तरह से कट कर दिया है बारीक बारीक। इसी तरह से हम टमाटर को भी बारीक बारीक कट कर देंगे और अदरक, हरी मिर्चा, लहसुन वगैरह इसी तरह से डाल सकते हैं आप, चाहे आप कट भी करके डाल सकते हैं। कुकर हमने चढ़ा दिया है, ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, सरसों के तेल में खाना बहुत टेस्टी बनता है। सो गाइज, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया था। इसमें हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, जावित्री, जो भी आपके पास खड़े मसाले हों आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें इनको डाल दिया है, तड़क गए हैं मसाले। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। सो गाइज, प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से कलर चेंज इनका होने लगा है और ये देखिए बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट हो गई है हमारी प्याज। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए बहुत बढ़िया हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल करके इनको हम अच्छे से भून लेंगे। सो गाइज, मसाले जल न जाएं तो इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच थोड़ा सा पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि मसाले अच्छे से ये हमारे भुन जाएं, जले नहीं। सो गाइज, ये देखिए हमारे बढ़िया से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, जिसके लिए अब हम लगा देंगे इसमें 1 विसल। जी हाँ गाइज, 1 ही सीटी केवल लगानी है इसमें। और ये देखिए हमारे प्याज, टमाटर, सभी चीज़ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। कोई मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप देखिए बस चमचे से इस तरह से आप मैश कर दीजिए और चाहे पोटैटो मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गाढ़ा सा मसाला बन के एकदम रेडी हो गया है। तो गाइज, अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये है कॉफ़ी या फिर चाय पत्ती वाला पानी। इन दोनों में से कॉफ़ी पानी बना लीजिए चाहे चाय पत्ती वाला पानी बना लीजिए। इससे हमारे छोलों का कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और देखने में भी एकदम टेम्पटिंग लगते हैं। सो गाइज, आप देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो पानी में डाल करके कॉफी पाउडर डाल दीजिएगा। भुना जीरा डाल दिया है और भुना कोटा मसाला मैंने डाल दिया है। भुना कोटा मसाला मैं ज़्यादातर बना करके रखती हूँ अपने पास। कुछ गर्म मसाले, खड़े मसालों को मैं भून करके पीस करके रख लेती हूँ, वही है भुना कोटा मसाला। सो गाइज, आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया भुन रहा है और इसका कलर एकदम बढ़िया चेंज हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये हमारे चने जो मैंने पानी से हटा दिए थे और इनको भी मैं 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। तो इसमें बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, इसलिए आप भूनिएगा ज़रूर। तो गाइज, अब मैंने इसमें नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसमें पानी को ज़रूर आप टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक कितना चाहिए आपको, उसी अनुसार से आप नमक डाल दीजिएगा। छोले से मैंने 1 इंची पानी ऊपर लिया है और ये देखिए मैंने इसमें अब सीटी लगा दूंगी। करीबन 6 से 7 सीटी हम लगाएंगे। शुरू की 2 सीटी हम तेज़ी से लगाएंगे तेज आंच पे, फिर हम इसको मीडियम स्लो आंच ही रखेंगे और बहुत बढ़िया हमारे छोले एकदम गल जाएंगे। अपने अपने गैस का जो फ्लेम होता है सबका चेंज होता है, तो आप उसके अनुसार छोलों को आप उबाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से पका सकते हैं। ये देखिए हमारे छोले एकदम रेडी हो गए हैं। इसमें आप धनिया डाल दीजिएगा कटा हुआ, कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया हमारे छोले तैयार हो गए हैं। ये गाढ़े गाढ़े एकदम छोले हैं। ये देखिए थोड़े से मैंने चमचे से मैश कर दिए थे और एकदम बढ़िया हमारे छोले एकदम रेडी हो गए हैं। तो गाइज, अब हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं जिसको हमें इसके साथ खाना है। तो गाइज, मैंने आटा पहले से ही तैयार रखा था। मैंने इसमें ये मैदा ली है और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ी सी चीनी और दही, उसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। और थोड़ा सा आप ऑयल भी ले सकते हैं इसमें। और एकदम बढ़िया सा हमारा ये देखिए फर्मेंट हो गया है। मैंने करीबन इसको 5-6 घंटे तक गूंथ करके रख दिया था। यदि आपको सुबह बनाना है तो रात को गूंथ के रख दीजिए, यदि आपको रात को बनाना है तो फिर आप सुबह ही गूंथ के रख दीजिए। तो बहुत अच्छे से इसमें जो हम भटूरे देखते हैं, जो हलवाई बनाते हैं, उसमें जो जाली होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि अच्छे से आटा हमारा फर्मेंट हो जाता है। सो गाइज, अब हम भटूरे के आटे को लचीला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह से होगा, हल्का सा हाथों में ऑयल लेकर के और टाइट सरफेस पे रखेंगे और इस तरह से इसको आटे को पटकेंगे। जी हाँ गाइस, खूब तेज़ी से पटकेंगे। करीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हमें इसको पटकना है, हाथों में ऑयल लगा करके अच्छे से पटकेंगे। और ये देखिए आटा काफ़ी लचीला हो गया है। ये देखिए जब मैं इसको हाथ से ऐसे कर रही हूँ तो हाथ से चिपक भी नहीं रहा है और एकदम बढ़िया लचीला आटा हमारा बन करके रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसको हाथ से दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा फैल रहा है
और ये देखिए इस तरह से आप करेंगे और ऊपर की ओर मैंने देखिए खींचा आटा तो एकदम लचीलापन आ रहा है, यही आना चाहिए। एकदम बढ़िया से हमारे भटूरे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जालीदार भटूरे बन करके रेडी हो जाएंगे। सो गाइस देखिए मैंने इस तरह से एक लोई तोड़ ली है जिसको मैं अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि अंदर की ओर भी काफ़ी अच्छी लेयर बनेंगी हमारे भटूरे की। तो इस तरह से हमें ये लोई को तैयार करके रखना है। सो गाइस मैं अभी आपको एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए हाथों पर ऑयल लेंगे और इस तरह से तोड़ेंगे और अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे। तो मैं इस तरह से सारी लोइयों को बना करके रख लूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैंने इसके ऊपर हल्का ऑयल लगा दिया है जिससे आपस में चिपकेंगी नहीं, और इनको मैं करीबन 5 मिनट बाद इसको बनाऊंगी, जिससे कि जो हमने अभी इसको पटका है तो उससे थोड़ा सा और ये लचीलापन आएगा आटे में। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा लचीला हो गया है। सो गाइज अब हम इसको भटूरे बेलने की तैयारी करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम चकले पर ऑयल डाल लेंगे जिससे चिपकेगा नहीं, और इस तरह से हम इसको हाथों की सहायता से इसको बढ़ाएंगे। सो गाइज जो लोग एक्सपर्ट हों भटूरे बनाने में तो आप इस तरह से हाथों से भी इसको बढ़ा करके और डायरेक्ट कढ़ाई के ऑयल में डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इसको बेलन से ही आपको बेल करके दिखाऊंगी। जो लोग हाथों से एक्सपर्ट ना हो वो इस तरह से बेलन से बेल करके भी आप कढ़ाई में डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा भटूरा बना है, एकदम स्मूथ सा। ऑयल हमारा मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको गर्म किया था जिससे कि डालते ही एकदम फूल जाए। धीमी आँच नहीं रखें क्योंकि धीमी आँच रखेंगे तो ये भटूरा फूलेगा नहीं। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा भटूरा फूलना शुरू हो गया है। देखिए बढ़िया फूल गया है और सिक भी गया है, कच्चा नहीं है बिल्कुल भी भटूरा, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैंने ये सारे भटूरे बनाए हैं। सो गाइज बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आते हैं छोले और भटूरे। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ऐसी ही चटपटी मजेदार रेसिपी लाती रहूंगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। सो गाइज डायमंड सॉस भी पड़े हुए हैं उनको भी देखिएगा, और वीडियो तो आपको लाइक एंड शेयर करनी ही करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।